पौलुस मसीही विश्वासी बन जाता। शाऊल नाम के एक ठे मनई रहो है जोन यीशु में विश्वास नहीं करत रहो है। जब वह जवान रहो है तब वह स्तिफनुस का मारा वाले मनैन के कपड़ा की निगरानी करे रहो है। बाद में वह विश्वासीन का सताउत रहो है। वह यरूशलेम में घर घर जाके मेनसरवा और मेहरिया दोनों का गिरफ्तार करके जेल खाना में डाल देते रहो है। तब महायाजक शाऊल का दमिश्क नगर में जाए के अनुमति दे दईस। वह हुन के मसीहिन का गिरफ्तार करे का और उन्हें वापस यरूशलेम लेके आमा के लाने शाऊल से कहीस। शाऊल दमिश्क जाए के यात्रा करीस। वह नगर का पहुँचे से थोड़ी ही पहले उखे चारों तरफ आकाश से एक ठे उजला प्रकाश चमको और वह भूमि में गिर पड़ो। शाऊल कोनो का कहत सुनीस, हे शाऊल ते मुही कहे सता रहे है। शाऊल पूछीस, हे प्रभु ते को आहे। यीशु वही जवाब देन, मैं यीशु आहूँ ते मुही सता रहे हस। जब शाऊल उठो तब वह देख नहीं सकत रहो है। वाखर मित्र वही दमिश्क में लेके गए रहे हैं। शाऊल 3 दिन तक कुछ भी खाए या पिए नहीं रहो है। दमिश्क में हनन्या नाम के एक ठे चेला रहो है। परमात्मा उससे कहीन, वह घर का जा जहाँ शाऊल ठहरो है, अपन हाथ का वाखर ऊपर रख ताकि वह फिर से देखा लगा। पर हनन्या कहिस, हे प्रभु मैं सुने हूँ कि यह मनई विश्वासिन का कैसे सताइस है। परमात्मा वही जवाब देन, जा मैं वही यहूदीन मा और दूसर जातिन के मनैन मा मोरे नाम के घोषणा करा के लाने चुन ले हूँ। वह मोरे नाम के लाने बहुत कष्ट सही। अनन्या शाऊल के पास गा, अपन हाथ का ओके ऊपर रखिस और कहिस, यीशु जोन यहाँ आमा के तोरे मार्ग मा तोरे ऊपर मा प्रगट भर रहो है मोही तोरे पास भेजिन है ताकि ते फिर से देखा लग और पवित्र आत्मा तो ही भर दे। तुरंत ही शाऊल फिर से देखे में सक्षम होइगा और हनन्या ओही बपतिस्मा देस। तब शाऊल भोजन करीस और फिर से बलवंत होइगा। तभिन से शाऊल दमिश्क में रहा वाले यहूदियन में प्रचार करा का शुरू कर देस। वह कहिस, यीशु ही परमात्मा के बेटबा आए। यहूदी मन नहीं अचंभित रहे हैं। कहे से शाऊल त विश्वासिन का मार डाला के प्रयास करत रहो है, पर अब वह यीशु में विश्वास करत रहो है। शाऊल यहूदियन के साथ वाद विवाद करीस। वह दिखाईस कि यीशु ही मसीह रहे हैं। बहुत दिन के बाद यहूदियन शाऊल का मार डाले के योजना बनाए। उही मार डाला के लाने नगर के फाटक में मनैन का भेजिन कि वाखन निगरानी करा। पर शाऊल वह योजना के बारे में सुन लेस और ओखे मित्र बच के निकले में वाखर मदद करीन। एक रात का ऊही टोकरी में बैठा के नगर के दीवार से वही नीचे उतार देन। दमिश्क से बच के निकले के बाद शाऊल यीशु के बारे में प्रचार करे का जारी रखीस। शाऊल प्रेरितन से मिले के लाने यरूशलेम गा, पर उसे डरात रहे हैं। तब बरनबास नाम के एक थे विश्वासी शाऊल का प्रेरितन के पास लेगा। वह उन्हें बताइस कि शाऊल कैसे साहसी होई के दमिश्क में प्रचार करे रहो है। उसके बाद प्रेरित शाऊल का स्वीकार कर लें। कुछ विश्वासी जौन यरूशलेम के सताव से भग गए रहे हैं उदूर अंताकिया नगर में चले गए रहे हैं और यीशु के बारे में प्रचार करत रहे हैं। अंताकिया में रहा वाले मनई अधिकतर यहूदी नहीं रहे हैं, पर पहली बार उन मन से बहुत से मनई विश्वासी बन गए रहे हैं। बरनबास और शाऊल इन नया विश्वासी का यीशु के बारे में और ज्यादा सिखामा के लाने हुन गए और कलीसिया का मजबूत करीन। यीशु में विश्वास करे वाले पहली बार अंताकिया में ही मसीही कहलाइन। एक दिन अंताकिया के मसीही मनई उपवास के साथ प्रार्थना करत रहे हैं। पवित्र आत्मा उनसे कहिस, मोरे लाने बरनबास और शाऊल का वह काम करा के लाने अलग कर दे जही करा के लाने में उन्हीं बुलाए हों। यही से अंताकिया के कलिसिया बरनबास और शाऊल के लाने प्रार्थना करिन और ऊ अपन हाथ का रखिन। तब उन्हीं
दूसर बहुत से जगह में यीशु के बारे में शुभ संदेश प्रचार करने के लाने भेज दें। बरनबास और शाऊल अलग अलग जाति के मनैन का शिक्षा दें और बहुत से मनैन यीशु में विश्वास करें। प्रेरितों के काम 8:3-9, 1-31, 11-19-26, 13-1-3 से बाइबल की एक कहानी।